गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि अगर कोई बैंकिंग का प्रतियोगी छात्र है, बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि जैसे अगर IBPS की वैकेंसीज आ रही हैं, कि अगर आएंगी ही, मोस्ट प्रॉब्ली है ये अभी आने वाली हैं, कि मैं किस बैंकों को चुनूँ, किस में भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, ऐसी बहुत सी दिमाग में शंकाएँ होती हैं। तो आज उसी पे ये स्पेशली ये जो YouTube वीडियो बना रहा हूं मैं, ये स्पेशली आपको ये बता रहा हूं मैं कि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किन किन बैंकों में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, जो कि लागू हुई है 1 अप्रैल 2020 से, यानी कि रिसेंटली अभी कितने बैंकों की क्या क्या हिस्सेदारी है, उसके बारे में हम आपसे एक तरह से हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम आपको कुछ एक तरह से बताना चाहती विजयलक्ष्मी एकेडमी। सबसे पहले विजयलक्ष्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल की आपसे अपील है कि लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं, यही राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य है। चलिए स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के साथ अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते क्या हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वे बैंक्स होते हैं कि उस तरह के, उस प्रकार के बैंक होते हैं जिनमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है, जो मेजॉरिटी स्टेक होता है हिस्सेदारी, वो 50% से ज़्यादा भारत सरकार के पास होती हैं। यानी 50% से ज़्यादा अगर हिस्सेदारी है तो वो बैंक सरकारी बैंक कहलाता है, और इंडिया के अंदर IBPS इसके द्वारा नियुक्ति करता है। चलिए हम देखते हैं कि अभी वर्तमान में भारत के अंदर कितने आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी सरकारी बैंक हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें कि अभी तक टोटल भारतवर्ष के अंदर यानी अप्रैल 2020 के अंदर भारत के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी बैंक हैं और एक स्टेट ओन्ड पेमेंट बैंक भी है, यानी टोटल 13 बैंक हैं अगर हम सरकारी एक तरह से आंकड़ों की बात करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले 12वें नंबर पे कौन सा बैंक है जो सरकार की हिस्सेदारी है। तो देखिए 12वें नंबर पे अगर जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें 12वें नंबर के पायदान पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 61% है, 61% है। इसकी टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसका हेडक्वार्टर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र में है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1 जुलाई 1955 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11वें नंबर का जो बैंक है, 12वें के बाद 11वें नंबर का जो बैंक है अभी जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हिस्सेदारी है वो है 63.74% है, 63.74% भारत सरकार की हिस्सेदारी है। इसकी टैगलाइन है स्टूडेंट्स, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में, और इसकी स्थापना हुई है 20 जुलाई 1908 को। और इसमें आपको और स्टूडेंट्स एक चीज और बता दें कि इसमें विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया गया है, इसी से आज बैंक ऑफ बड़ौदा की जो हिस्सेदारी है वो इतनी रह गई है, भारत सरकार की हिस्सेदारी 63.74 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें पायदान पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो हिस्सेदारी में भारत सरकार की हिस्सेदारी है अभी प्रेजेंट टाइम में 67.43%। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। 11 नवंबर 1919 में इसकी स्थापना हुई। इसकी जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। आपको बता दें अभी 1 अप्रैल 2020 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को मिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें पायदान पे है पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 70.22%। इस बैंक की टैगलाइन है द बैंक यू कैन बैंक अपॉन। इसकी स्थापना हुई है 19 मई 1894 को, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली स्टूडेंट्स। और पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिलाया गया है। चलिए अगर हम बात करें 8वें पायदान पे है कैनरा बैंक।
कैनरा बैंक की हिस्सेदारी, भारत सरकार की हिस्सेदारी है उसमें 72.55%। कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1906 में। इसका हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटका में है। तथा स्टूडेंट्स आपको बता दें 1 अप्रैल 2020 को इसमें सिंडिकेट बैंक को मिलाया गया है। सातवें नंबर पे है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 79.62%। इस बैंक की टैगलाइन है वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ। इसकी स्थापना हुई है स्टूडेंट्स 24 जून 1908 और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फिर इसके बात करें छठवें पायदान पर है इंडियन बैंक, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 81.73%। इसकी जो टैगलाइन है योर टेक फ्रेंडली बैंक। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1907। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में। और इसमें आपको बता दें 1 अप्रैल 2020 को इसमें इलाहाबाद बैंक को मिलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें पायदान पर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 87.01%। इस बैंक की टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। इसकी स्थापना हुई है स्टूडेंट 16 सितंबर 1935 और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। चलिए चौथे पायदान पे है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो बैंक ऑफ इंडिया की अभी बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार की जो अभी हिस्सेदारी है वो है 87.0535%। इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। 7 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। चलिए तीसरे पायदान पे अगर हम बात करें तो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भारत सरकार का प्रतिशत है 88.02%। इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। इसकी स्थापना हुई है 21 दिसंबर 1911। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पायदान पर है सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन ओवरसीज बैंक। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 91% है। इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। और अगर हम बात करें इसकी स्थापना हुई है स्टूडेंट्स 10 फरवरी 1937 चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तो स्टूडेंट्स सबसे टॉप नंबर पर है यूको बैंक, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी है 93.29%। इसकी टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट। इसकी स्थापना हुई है 6 जनवरी 1943। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अभी भारत सरकार की सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में बात करें तो यूको बैंक में है 93.92%। अब आगे बढ़ते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स बात करते हैं पेमेंट बैंक की, जो एक नए तरह के पेमेंट बैंक्स हैं, उनमें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है। इसकी टैगलाइन है योर बैंक इज योर गेट। और इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 2019 न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि 2020 तक भारत में पब्लिक सेक्टर बैंक जितने भी हैं उनमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम नए एक आपके साथ वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपने शेयर किया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।